मैंने YouTube पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियो अपलोड की हैं, YouTube वीडियो नॉट शो, बट बहुत सारे दोस्तों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो अपनी YouTube वीडियो का लिंक YouTube में जाके पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है नो सर्च फाउंड। कहने का मतलब है, अगर दोस्तों मैं अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करके YouTube से YouTube में जाके सर्च करता हूँ तो वहाँ पर लिखा आता है नो रिजल्ट फाउंड। आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन है वो करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपके चैनल पर आती क्यों है दोस्तों? यहाँ पर मेरा चैनल है जिस पर मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो अपलोड की है। अगर मैं तीन डॉट पर क्लिक करता हूँ, शेयर के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों मैं अपनी ही वीडियो का लिंक यूट्यूब में जाके पेस्ट करता हूँ तो मेरी वीडियो यहाँ पर फर्स्ट पर शो हो रही है। अब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरी उनके इंस्टाग्राम पर बात हुई थी, उनकी एक यूट्यूब वीडियो है, भाई सेम प्रॉब्लम आ रही है, मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी यूट्यूब पर यह प्रॉब्लम आई है। गाइस मैं उनकी सबसे पहले तो आपको उनकी वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों उनकी ये वीडियो है यूट्यूब पर रिसेंटली अपलोड है, इसको यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, अगर मैं इस वीडियो को शेयर करता हूँ तीन डॉट्स पर क्लिक करके, अब इसकी वीडियो का लिंक मैंने कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद यूट्यूब में गाइस इसकी वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इनकी वीडियो का लिंक ही मैंने कॉपी किया है और यूट्यूब में पेस्ट किया है तो पास जो कि न्यूज चैनल है वो आ रहे हैं। कहने का मतलब है इनकी यूट्यूब वीडियो यूट्यूब में सर्च ही नहीं हो पा रही है। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार नए हैं चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूट्यूब से वीडियो मिलते रहे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो गाइस आपने करने क्या होगा, आपने दोस्तों चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आपने यहां पर सर्च करना है यूट्यूब। गाइस यहां पर यूट्यूब को जैसे आप सर्च करेंगे तो आपने यहां पर यूट्यूब वाइट स्टूडियो को भी आपने अपडेट करना है, तो यहां से मैं अपडेट कर लेता हूं। और दूसरा चीज आपने गाइस करना है यूट्यूब, आपने गाइस यूट्यूब को भी अपडेट करना है। तो यहां पर मेरी एक्चुअली यूट्यूब अपडेट है, आपने वाइट स्टूडियो और यूट्यूब को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइस अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपने यहां पर करना है मैनेज एप्लीकेशन पर सेलेक्ट करना है, या ऐप मैनेजर पर भी क्लिक कर सकते हैं, सेम एक ही कंडीशन है। और आपने ऐप लिस्ट में चले जाना है, डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट सेटिंग होगी। गाइस आपने यहां से अब सर्च करना है यूट्यूब, यहां से गाइस मैं सर्च कर लेता हूं यूट्यूब। गाइस आपने यूट्यूब को यहां से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद गाइस अब आपने करना क्या है, फोर स्ट्रोक आपने इसका डाटा है वो यहां से क्लियर कर देना है। तो यहां से इसका मैं डाटा क्लियर कर देता हूं। और स्टोरी का ऑप्शन है गाइस, आपने स्टोरी को भी क्लियर कर देना है। तो यहां से गाइस मैं स्टोरी को भी ऑप्शन को क्लियर कर देता हूं। YouTube का डाटा क्लियर कर लेना है। अगर आप YouTube का डाटा क्लियर करने के बाद भी अपने चैनल पर प्रॉब्लम है वो आती है तो एक YouTube की तरफ से बहुत ही ज्यादा बग है। ये होता क्यों है, क्योंकि YouTube आपके चैनल पर वर्क कर रही होती है तभी ये बग है वो आपको देखने के लिए रहा होता है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने YouTube वीडियो और चैनल को डिलीट कर देते हैं। तो आपने अपने चैनल पर फोकस करना है, अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते रहना है। अगर गाइस एक आपने सेटिंग कर लेनी है, YouTube चैनल को आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हो तब भी बग है वो सॉल्व हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपके चैनल पर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए तो हम आपसे लाइव बात करेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपको तो पता है कि हम YouTube से हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए लिख के आते रहेंगे।